चलो भाई पढ़ना लिखना शुरू करें, इसको लगा दीजिए। तो बेटा हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स आज आखिरी क्लास है, न्यूक्लियर फिजिक्स फिर खत्म आराम से। सेमीकंडक्टर चार क्लास, मंडे या ट्यूजडे चलिए। न्यूक्लियर फिजिक्स में कल मैंने बेटा शांत रहेगा शांत रहे। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने कल आपको हाफ लाइफ वगैरह करा दिया था, नंबर ऑफ जिसको बात करते हैं देखेंगे उसको बारीक बनाएंगे, फिर फायदा क्या है जब इतनी बात बोल रहे शांत रहो। कल मैंने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एट एनी इंस्टेंट इसका भी फॉर्मूला करा था, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट ये भी करा दिया था, करा दिया था ना, देखिएगा बेटा एवरेज लाइफ। अच्छा देखिए एवरेज लाइफ क्या होता है ये सुनिए, सुनिए देखिए एवरेज लाइफ क्या होता बेटा। एवरेज लाइफ की डेफिनेशन है कि मान लो कोई सैंपल है रेडियोएक्टिव सैंपल, प्लीज सुनिएगा, ये रेडियोएक्टिव सैंपल है बेटा, इसमें बहुत सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, और इसमें जो है डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, ओके। तो एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है ये सुनिए, एवरेज लाइफ का मतलब होता है सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यानी बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं बोलूं इंडिया का एवरेज लाइफ मान लीजिए 50 ईयर है, 50 साल है एवरेज लाइफ, इसका मतलब एक इंसान 50 साल नहीं जिंदा रहा, कोई इंसान 30 साल ही जिंदा रहा, कोई 60 साल जिंदा रहा, कोई 90 साल जिंदा रहा, 100 साल जिंदा रहा, तो वो जितने भी लाइफ है सबकी सबका सम अपॉन टोटल नंबर उससे डिवाइड किया गया, तो दैट इज कॉल्ड द एवरेज लाइफ। उसी तरह से बेटा कोई न्यूक्लियाई एक सेकंड में टूट गया, कोई न्यूक्लियाई 6 महीने में टूटा, कोई न्यूक्लियाई 1 महीने में टूटा, कोई न्यूक्लियाई 1 साल में टूटा, तो सबकी लाइफ का जो भी था जो भी लाइफ था सभी का लाइफ का सम, कोई 1 सेकंड तो 1 सेकंड प्लस, कोई 1 महीना तो 1 मंथ प्लस, कोई 6 महीना तो 6 मंथ, सबकी लाइफ का सम दैट इज सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड किया गया, तो वी विल गेट द एवरेज लाइफ। यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, वी नो दैट कि n बराबर होता है n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। अब मुझे एवरेज लाइफ का वैल्यू चाहिए, तो देखिए वैसे तो एवरेज लाइफ का जो डेरिवेशन है बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले लगते हैं। ए प्लीज ए सामी ने तो कौन को बजे भाई जबरदस्ती क्लास दी सारे, और जब तक कमर पूरा ही नहीं बजेगा तब तक ए देखिए। वैसे तो इसका डेरिवेशन बहुत जबरदस्त है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा मैं डेरिवेशन समझा दूं। देखिए करते क्या है बेटा, देखिएगा ध्यान से, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो बहुत इजी है, देखिए सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए t बराबर 0 पर इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0 मैंने गिनती मारा n0 है, अब देखिए t बराबर t पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n है, तो सोचो बेटा n न्यूक्लियाई है, और फर्दर स्मॉल टाइम dt, फर्दर इन स्मॉल टाइम dt जो है dn न्यूक्लियाई टूट गया, dn न्यूक्लियाई टूट गया,
तो सोच के देखो बेटा, ये जो डीएन निकला है उनका एज कितना था टी टाइम तक जिंदा रहे? हाँ, जैसे सोच के देखो, मैंने बोला इनिशियली 100 लोग थे एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक, इनिशियली मैंने देखा आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक 5 सेकेंड पर मैंने देखा दो लोग टूट गए, 5 सेकेंड पर इन वेरी स्मॉल टाइम दो लोग डिसोसिएट हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। तो आप क्या बोलेंगे, वो जो दो लोग थे उनकी एज 5 सेकेंड ही रही? Yes, सेकंड वाला डिसइंटीग्रेट हो गए। उसी तरह से बेटा मैं बोलूं कि किस टी बराबर 0 पर एन नॉट निकले आए थे, टी बराबर टी पर मैंने देखा एन निकले आई है, एक्टिव निकले आए, बीच में टूट गया होगा कुछ लोग। अब फर्दर इन वेरी स्मॉल टाइम डीटी डीएन निकले टूटा, तो मैं बोलेंगे यार ये डीएन जो निकले टूटा ना उसकी एज टी थी, वो टी टाइम तक तो सस्टेन कर पाया, उसके बाद डिसइंटीग्रेट कर गए। तो बेटा जो टी एवरेज होगा, बहुत ध्यान से सुनना, सम ऑफ लाइक्स ऑफ ऑल निकले आए। तो देखिए डीएन न्यूक्लियाई का एज कितना है, डीएन न्यूक्लियाई का एज ओनली टी टाइम तक है, नहीं एक न्यूक्लियाई, जैसे डीएन में एक न्यूक्लियाई का एज टी टाइम तक, तो डीएन न्यूक्लियाई का एज कितना होगा, डीएन इनटू टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हर न्यूक्लियाई का अपना अपना एज होगा, इंटीग्रेशन का सम करना अपॉन एक्टिव न्यूक्लियाई वी हैव, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नॉट के बराबर होगा, मैंने पूरा का पूरा इसमें जितना भी सब मान लिया नॉट, क्लियर। अब डीएन की वैल्यू कितना होगा, तो वी नो दैट क्योंकि वी नो माइनस डीएन बाय डीटी वी हैव लैम्डा इनटू एन, क्या आपको पता है कल मैंने पढ़ा था लैम्डा इनटू एन, क्या एन की वैल्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होती है, ऐसा पता था, एन इज द एक्टिव न्यूक्लियाई एट एन इंस्टेंट जो कि एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है। तो मैं माइनस डीएन में डीएन की वैल्यू निकाल दूंगा, तो डीएन की वैल्यू वी हैव बेटा डीटी उधर की तरफ आएंगे माइनस उधर की तरफ माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डीटी। और जानते हो बेटा ये वाला डीएन की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, यहां तक लिखो पहले, देखो पहले यहां शांत है, बिल्कुल शांत रहना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप पूछते क्यों, इसे बताना पड़ रहा है, इसीलिए बताना पड़ रहा है। भैया प्लीज भाई आखिरी बार पॉइंट कर रहा हूं, बाहर जाओगे तुम सबके साथ, एक सैंपल है गड्ढा खोदा रेडियम पैक स्टोन मिला करोड़ों उसमें है आइसोटोप सब कुछ सब मिक्स है, कभी भी एक टाइप का तो मिलता ही नहीं ना, तो मिक्सअप होता है सबके सब रेडियम है उसकी बात है। फोटॉन है तो एनर्जी तो निकलती है वो, मिटाएं ये लगाए नहीं अच्छा ये ओके। अब बेटा यहाँ पर वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बीटा नेगेटिव, हाँ बोलो, वो न्यूट्रॉन देखो एक क्वेश्चन आता है एक सवाल आता है वो क्या कोई आइसोलेटेड न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है क्या कोई आइसोलेटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो हम बोलेंगे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में आराम से कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूट्रॉन आइसोलेट तो है नहीं फिर भी कन्वर्जन बहुत आराम से हो रहा है क्योंकि न्यूट्रॉन में मास ज़्यादा है। एक प्रोटॉन आइसोलेटेड प्रोटॉन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन क्योंकि हैवी मास है,
उसको एनर्जी चाहिए, जबकि आइसोलेटेड कैसे एनर्जी मिल नहीं पा रही है। तो एक आइसोलेटेड प्रोटॉन कभी भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोटॉन इंटरैक्टिंग विद द अदर पार्टिकल्स, कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल जाती है, इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में वहाँ कन्वर्ट हो रहा है बाई गेनिंग बाई एक्सेप्टिंग सम एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो न्यूट्रॉन किसी से इंटरैक्ट कर रहा है। ड्यूरिंग कन्वर्जन हम मान के चलेंगे कि न्यूट्रॉन का ही मास जो है उसमें से थोड़ा मास प्रोटॉन में, बाकी मास इलेक्ट्रॉन और एनर्जी के रूप में गया। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर कोई भी पार्टिकल आइसोलेटेड नहीं है, दे आर इंटरैक्टिंग, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से सब बाउंडेड हैं, कम ज़्यादा जो भी फोर्स लग रहा है इंटरैक्ट हो रहे हैं। अच्छा बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो है मैं डीएन की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ बेटा, तो वी हैव टी एवरेज, देखिए ध्यान से बेटा, तो टी एवरेज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टी एवरेज की वैल्यू देखिएगा बेटा, 1/N0 तो बाहर ऐसे ही है, डीएन का इंटीग्रेशन में माइनस आ गया तो माइनस आगे लिख लूँ, जो कांस्टेंट है लैम्डा एन नॉट कांस्टेंट है बाहर कर लूँ, अंदर क्या बचेगा बेटा जल्दी बताओ, ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, और इसमें टी भी तो मल्टीप्लाई में है तो टी इंटू डी टी। इसीलिए देखिए मैं आपको कह रहा था बेटा, सुनो इधर, इसलिए मैं कह रहा था बेटा कि इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स चलता है। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी होता है, हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, e की पावर माइनस लैम्डा टी और फिर डी टी रहता है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन इनटू में दो फंक्शन है, टी का ये भी फंक्शन है, टी का ये भी फंक्शन है, तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। और जानते हो लिमिट में जीरो से इन्फिनिटी लिखेंगे, जीरो से इन्फिनिटी लिख देंगे, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करने पर, चूंकि अब मुझे सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर, इसको पूरा सॉल्व वॉल्व करके पता है फाइनल आंसर क्या आता है, फाइनल आंसर अगर चाहे तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक रूल आता है, मेडिकल वालों के लिए नहीं पढ़ना है, आइलेटेड रूल, ILATE, आइलेट बोलते हैं हम लोग, आइलाटे बोल रहे थे ये रूल चलता है। खैर छोड़िए, वो सब नहीं जानना नीट वालों को, ये सब मैथमेटिक्स के टर्म है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, ऐसे चलता है, वो सब छोड़िए, इसको पूरा अब आपको बस ये समझना, ऑन सॉल्विंग वी गेट, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ऑन सॉल्विंग वी गेट, प्लीज बेटा सुनिएगा, ऑन सॉल्विंग वी गेट टी एवरेज की वैल्यू 1/λ, यानी बेटा ये समझिए ध्यान से, ये देखिए सुनिएगा पहले ध्यान से, मेरी बात सुनिए, तो टी एवरेज का फॉर्मूला आप देखिए, जो भी बीच का टर्म है वो आपको मैंने एक आपको क्यू को सेटिस्फाई करने के लिए, आप पूछते क्यों कैसे आया सर, तो वो मैंने आपको एक स्टेप्स, दो तीन स्टेप्स कराया जिसमें कोई दिक्कत नहीं था मुझे समझाने में। यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाऊंगा, वहीं पर नीट वाले जो है किताब कॉपी से पटक के, ठीक है तुम्हारा हो रहा है तुम करते रहो हम चले, ठीक है, इसलिए हम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं, और ज़रूरत भी नहीं, हम लोग को ज़रूरत पड़ती तो हम जरूर बताते, ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अब आपको कभी भी पूछा जाए बेटा एवरेज लाइफ का फार्मूला, तो आपको बोलना है टी एवरेज इज इक्वल टू 1/λ। अगर आपको ध्यान हो हाफ लाइफ टी इज इक्वल टू था 0.693/λ, जबकि एवरेज लाइफ होता है 1/λ। बोलो क्लियर हो गया, लिख लो इसे बेटा। चाचा बातें करने लगते हैं, हो गया भाई, आज दिल गायब हो गया, शांति शांति। हाँ भाई, तो एवरेज लाइफ आपने पढ़ लिया, हम सभी लोग हेडलाइन देंगे एक्टिविटी। लिख लिया, हाँ सुनो बेटा, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, कभी अगर एक्टिविटी सुनिए,
कभी अगर बेटा एक्टिविटी की बात करे क्वेश्चन के अंदर, इन द क्वेश्चन अगर कभी बोले फाइंड द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिविटी, हम लोग ये एक्टिविटी क्या ये समझ लेते हैं बच्चों। देखिए एक्टिविटी दरअसल क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही बोलते हैं एक्टिविटी, रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन कह लो, रेट ऑफ डिके को ही बोला जाता है बेटा एक्टिविटी। ये टर्म है बेटा, ऐसे टर्म से कि अगर आपको नहीं बताया जाएगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि ये एक्टिविटी क्या फाइंड करते हैं। तो एक्टिविटी इज द रेट ऑफ डिके को ही दरअसल बोला जाता है एक्टिविटी। यहाँ पर बेटा एक्टिविटी को हम ए से दिखा रहे हैं, रेट ऑफ डिके इज माइनस के डी एन बाई डी टी, हम जानते कि नहीं जानते हैं, जिसमें नेगेटिव साइन बताता है कि नंबर ऑफ एक्टिव निकला इन द सैंपल डिक्रीजिंग विद टाइम, ये हमने पढ़ा भी है। सुनिए ध्यान से, तो एक्टिविटी को ही रेट ऑफ डिके बोलते हैं बेटा। सुनिए पहले, सुनिए प्लीज, लिखिए नहीं पहले सुनिए। अच्छा, फ्रॉम द लॉ ऑफ डिके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ डिके इज लैम्डा इन टू एन होता है। तो हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि यार फाइंड द एक्टिविटी, तो आपको किसी टाइम पर अगर एक्टिविटी फाइंड करने को कहेगा तो उस टाइम पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई निकाल लीजिए, जो कि फार्मूला आप जानते हैं, एन के दो फार्मूले हैं, एन के दो फार्मूले, एक तो है एन नॉट इज एन नॉट इन टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और एक है एन बराबर एन नॉट वन बाई टू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी हाफ लाइफ के टर्म में। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो हाफ लाइफ दे रखा है या डीके कांस्टेंट दे रखा है, जैसा देगा वैसा हम वो फॉर्मूला यूज करके एन को सॉल्व करते हैं। यदि हमें क्वेश्चन में एक्टिविटी फाइंड करने को कहेगा तो मैं उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करके वही एक्टिविटी कहेंगे, एन निकाल लेंगे लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी बात सुनेगा बेटा। तो ए इज इक्वल टू होता है लैम्डा इन टू एन। अगर मुझसे कभी बोलता है कि इनिशियल एक्टिविटी निकालिए, इनिशियल एक्टिविटी का मतलब टी बराबर जीरो पर एक्टिविटी, तो हम बोलेंगे अरे ये तो बहुत इजी है भाई, इनिशियल एक्टिविटी की बात कर रहे हो आप, तो मैं बोलूँगा इनिशियली टी बराबर जीरो पर एक्टिव निकली आई को एन नॉट से दिखाते हैं, तो इनिशियल एक्टिविटी को ए नॉट से दिखा देते हैं, तो ए नॉट बराबर लैम्डा इन टू एन नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर सुनिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन आएगा उस समय लगेगा कि हाँ जो पढ़ाया गया था वो काम आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन में आएगा कि किसी टाइम पर एक्टिविटी लिखिए, एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट, सुनिएगा ध्यान से। एक तो ये तरीका है कि नंबर ऑफ एक्टिव निकला निकाल लो, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर देखिए बेटा सुनिए ध्यान से मेरी बात को समझिए, किसी टाइम पर एक्टिविटी कहेगा, ठीक है भाई, तो आप जानते हैं कि सर ए बराबर लैम्डा इंटू एन होता है, तो सर एन की वैल्यू रखते हैं, किसी टाइम पर नंबर ऑफ एक्टिव निकला का फॉर्मूला होता है एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, यही होता है। और लैम्डा एन नॉट देखो बेटा क्या है, लैम्डा एन नॉट क्या है, इनिशियल एक्टिविटी, यानी अगर अंदर खाने की बात करें तो भाई कुछ भी नहीं है, जैसे एन का फॉर्मूला तुम एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी याद रखते हो, अगर एक्टिविटी पूछे तो बोलेंगे ए बराबर ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, या इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ कहेगा, इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ कहेगा, तो ए बराबर होगा ए नॉट वन बाई टू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, मतलब एक्टिविटी कहेगा। एक्टिविटी का मतलब क्या होता बेटा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिके। कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि होते हैं कुछ लोग टर्म्स तो याद रखते नहीं है, कमबख्त। तो देखिए कभी कभी क्या बोलेगा, अच्छा भाई तो रेट ऑफ डिके किसी टाइम पर बताओ, है रेट ऑफ डिके किसी टाइम पर, अरे तो रेट ऑफ डिके को एक्टिविटी कहते हैं बेटा, किसी टाइम पे एक्टिविटी ए बराबर ए नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। अच्छा एक्टिविटी का यूनिट, यूनिट भी बड़ा गजब लिखते हैं, काउंट पर सेकेंड, काउंट का मतलब होता है गिनती, है तो ठीक है भाई कितना टूटा एक सेकेंड में, यही तो मतलब होता है, दस टूटा एक सेकेंड में, तो दस टूटा को काउंट लिखता है, तब काउंट पर सेकेंड सुन के पागल हो जाता है भाई ये क्या चक्कर है। अरे भाई रेट ऑफ डीके डी एन बाई डी टी, डी एन मतलब टूटा, काउंट और टाइम मतलब सेकेंड, काउंट पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, लिखो लिखो आओ मिलके लिखें, आओ मिलकर ग्राफ का बना लो, ग्राफ बना पाओगे, क्या बात है। गतांश बोल रहा है सर एक्टिविटी और टाइम का ग्राफ हम खींच सकते हैं, खींचो ग्राफ, जैसे एन का ग्राफ खींचा था सिमिलरली उसी टाइप का
शांत, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वेरी गुड। जहाँ तेरी ये नज़र है मेरे भाई, मुझे खबर है तू पढ़ लिया है। तू पीछे कहाँ देख रहा है मफलर वाले? हाँ तुझे तो मैं जानता हूँ बेटा, नस नस से वाकिफ हो गया हूँ, समझ गया ना। शांत, ए भाई देख, इतने चांटे मारूंगा ना मुंह लाल हो जाएगा। सुबह सुबह टारगेट बैच में बैठ गया और जाके सो गया कम वक्त कॉर्नर में था। अब मैंने सही बोला, वो बगल वाले पड़ोसी को तेरे बोला मत उठाइयो, बहुत शैतान है, उदम करके रख देगो, वो भी तुम्हें कुछ नहीं बोला, ठीक है सोने दो सोने दो। बहुत होशियार हो तुम, वेरी गुड। मिटा दें इसकी ऐसा यूनिट होगी जो रेट ऑफ डीके की होगी, काउंट पर सेकंड बोल दो ना, बोल सकते हैं लैम्डा इनटू एन करके। हाँ लिख लो, ए बराबर लैम्डा इनटू एन होता है, एन का तो कोई यूनिट होना नहीं है, लैम्डा का बैकरोल होता है, यस ये भी होता है, वेरी गुड। ए चाचा सुनो, तो एक्टिविटी के बारे में समझ गए बेटा, अजय सुनो। अच्छा बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि इधर टाइम है और इधर माइनस dn बाई dt है, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो हम बोलेंगे माइनस dn बाई dt को ही तो एक्टिविटी बोलते हैं, इसका ग्राफ बिल्कुल n वाला जैसे ग्राफ था वैसा ही होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का। ये आएगा बेटा क्वेश्चन, ये सब आएगा ना उस दिन, याद आएगा कि हाँ सर ने लिखाया तो था, हाँ कुछ तो लिखाया तो था, उसी दिन याद आएगा बेटा। प्लीज ईमानदारी से बोलो, क्लियर? ए चाचा छोड़ दो, लिखिएगा बेटा, लिख लिया। हाँ अब सुनिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से बेटा प्लीज। यहाँ पे दो बातें और सीख लो, कभी सवाल आ गया तो उस दिन याद आ जाएगा, और सवाल हम कराएंगे इस पे। इधर ध्यान दो, ए सुनो, अगर आपसे कहेगा साइमल्टेनियस डिके क्या मतलब होता है, सुनो ए सुनो प्लीज। कभी कभी क्या होता है बेटा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जैसे बोलेगा एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसमें कुछ एलिमेंट लैम्डा वन डिके कांस्टेंट के मेथड से डिके कर रहे हैं, और इसमें कुछ एलिमेंट बाकी बचा लैम्डा टू मेथड से डिके कर रहे हैं, मतलब दो दो रेडियो एक्टिव डिके एक साथ होगा, एक सैंपल के अंदर तीन डिके एक साथ होगा, चार डिके एक साथ होगा, ऐसे करके होता है। हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लो। हैं हमने मना किया था, हम समझे नहीं क्या बोला था, और हमने क्या बोला था जो तुमने, हाँ हाँ ऐसा ही तो बोला था, एक बार में एक ही पार्टिकल निकलेगा,
वो ठीक है, लेकिन मैंने बोला सुनो सुनो सुनो, मैंने बोला कि कुछ जैसे 200 लोग में 150 लोग अपना एक अलग तरीके से डीके कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ बेटा डीके कांस्टेंट क्या होता है। डीके कांस्टेंट को अगर डिफाइन करने को कहेगा कि डिफाइन द डीके कांस्टेंट, तो हम बोलते इसके लिए बहुत सिंपल एक दिमाग लगाएंगे कि वी नो दैट द रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन। मेरी बात सुनना, तो डीके कांस्टेंट इज द माइनस डीएन बाय डीटी अपॉन एन। अब हम यहां बोलेंगे कि व्हाट इज डीके कांस्टेंट, तो हम बोलते हैं द रेट ऑफ डीके पर यूनिट एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल, द रेट ऑफ डीके पर यूनिट एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल। अगर मैंने बोला एक्टिव न्यूक्लियाई 1 है तो उस समय जो रेट ऑफ डीके होगा उसे बोलते हैं डीके कांस्टेंट। और ये अगर मैंने बोला कि सभी न्यूक्लियाई इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, सभी न्यूक्लियाई इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक ही डीके कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। लेकिन क्या होता है इन द एक्चुअल प्रैक्टिस, हम देखते हैं कि कोई सैंपल लेते हैं तो इसमें कुछ लोग अपना अलग तरीके से डीके कर रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके, मतलब ग्रुप होता है जिसमें अलग तरीके से डीके कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब यूरेनियम ही लेते हैं, मान लीजिए हमने खुदाई करा, मुझे यूरेनियम कहीं मिल गया, तो यूरेनियम जब आप देखते हैं तो उसमें यूरेनियम में कई सारे आइसोटोप्स मिक्स होते हैं, कई सारे आइसोटोप्स मिक्स होते हैं। मान लीजिए उसमें से हम यूरेनियम 238 को निकालें, केवल यूरेनियम 238 को किसी प्रोसेस से एनी मैकेनिज्म के थ्रू हमने केवल यूरेनियम 238 को कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके एक बना दिया छोटा सा सैंपल, तो मैंने देखा अरे उसमें तो एक यूनिक लैम्डा है, एकदम फॉलो हो रहा है, हर एक सेकंड में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, हर नंबर ऑफ एक्टिव निकला पर यूनिट नंबर ऑफ एक्टिव निकला के लिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेम है। मैंने कहा यार यूनिक लैम्डा है, यानी एक ही वैल्यू होगी डीके कांस्टेंट। लेकिन क्या होता है, अब यूरेनियम 235 एक साथ किया, यूरेनियम 236 एक साथ किया, यूरेनियम 237 एक साथ किया, तो आपको तो इसमें यूनिक एक ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब एक सैंपल होता है जिसमें मिक्सअप होते हैं बहुत सारे, तो उसमें वी गेट कि ये वाला ग्रुप यूरेनियम 235 वाले ग्रुप अपने तरीके से टूट रहे हैं, यूरेनियम 236 वाले अपने तरीके से टूट रहे हैं, तो यानी साइमल्टेनियस डीके बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको बेटा, साइमल्टेनियस। मेरी बात समझ में आई, जैसे सभी लोग, जैसे मैं कहूँ ब्लू जैकेट वाले लोग एक तरह से एक रूल फॉलो कर रहे हैं, वो अपने तरीके से डीके कर रहे हैं, लाल जैकेट वाले लोग अपने तरीके से डीके कर रहे हैं, पीले जैकेट वाले लोग अपने तरीके से डीके कर रहे हैं, तो क्या होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में होता है वो ऐसा ही होता है। यूनिट डीके कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल डीके कांस्टेंट्स होते हैं, यानी अपना अपना ग्रुप जो अलग अलग तरीके से टूटेगा। अच्छा सोचिए, मान लीजिए आप एक यूरेनियम के सैंपल है, यूरेनियम 235 यहाँ, यूरेनियम 235 वहाँ, यूरेनियम 235 वहाँ है, कहीं भी हो कोई बात नहीं, यहाँ है वहाँ है वहाँ, 4-5-10 ऐसे एग्जांपल मान लिया, ये टूटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, वो एक महीने बाद टूटा, वो एक साल बाद टूटा, लेकिन इनके डीके को पूरे को नोटिस किया जाएगा तो हम देखेंगे कि द रेट ऑफ डीके पर यूनिट नंबर ऑफ एक्टिव निकला बिल्कुल कांस्टेंट आता रहेगा, बार बार कांस्टेंट आएगा, बार बार कांस्टेंट आएगा। अगर रेट ऑफ डीके पर यूनिट पर सेकेंड मान लीजिए 100 है और एक्टिव निकला 10 है, तो हमने देखा 10 आया, फिर उनको नोटिस करा अगले में, अगले सेकंड में, अगले टाइम बाद, फिर देखा कि रेट ऑफ डीके मान लीजिए 50 है तो ये 5 है, फिर आया 10, तो हम बोले अरे इसका मतलब इनका रेट ऑफ डीके बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा, हर नंबर ऑफ एक्टिव निकला है, यूनिट नंबर ऑफ एक्टिव निकला है, तो हम बोलेंगे इसका डीके कांस्टेंट यूनिट है। अब पता चला यहाँ पर मैंने यूरेनियम 236 वो 236 236 236 उनका देखा अलग डीके चल रहा है मामला, तो बेसिकली यही होता है ना। इसीलिए हम लोग को इतना डीप स्टडी नहीं करना है, हम लोग को बहुत सिंपल सिंपल पढ़ना है। तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर साइमल्टेनियस डीके होता है ना। अभी हम लोग को दो ही पढ़ने हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हुए हैं। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 मैंने मान लिया, बोलो क्लियर, थोड़ा सा फील हो रहा है कि अलग अलग डीके कांस्टेंट हो गए, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब मुझसे पूछा जाएगा, अब मुझसे क्या पूछा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा, एक बार बताना जरूरी होता है जिससे कि आप सवाल देखें तो तुरंत समझ जाए, इसका क्वेश्चन बनाने का यही मेथड है। अब क्या पूछा जाएगा कि चलो भाई इसमें पूरा जो एलिमेंट का मिक्सअप है, कंप्लीट पूरा एक सैंपल है, इसमें लैम्डा 2 के तरीके से इधर डीके हो रहा है, इधर दूसरा डीके हो रहा है लैम्डा 1 से, तो बोलेगा बताओ इसका इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट, इसका इक्विवेलेंट हाफ लाइफ, ऐसे करके पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ बताइए, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो हम लोग यहां पर बेटा इक्विवेलेंट, ओवरऑल इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट,
या ओवरऑल इक्विवेलेंट हाफ लाइफ, वो हमें सॉल्व करने को आएगा। तो अपन कैसे करेंगे वो सुनो, बस एक दो स्टेप का है, आप तुरंत सीख जाओगे, टेंशन मत लो। देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा बताओ बेटा, मान लो मैंने बोला डी एन वन न्यूक्लियाई टूटा इन टाइम डी टी, इधर डी एन टू न्यूक्लियाई टूटा इन टाइम डी टी। मान लिया डी टी टाइम में डी एन वन निकला इसका टूटा, और डी टी टाइम में डी एन टू निकला टूटा। तो सोचो मैं बोलूं एक सेकेंड में 10 निकला इधर से डीके कर गए, और एक सेकेंड में 20 निकला इधर से डीके कर गए, तो इस सैंपल में 30 लोग तो टूट ही गए ना एक सेकेंड के अंदर। क्यों भाई, 10 इधर से खत्म हुआ, 20 इधर से खत्म हुआ, तो 30 लोग तो एक सेकेंड में खत्म ही हो गए। तो सोचिए मैं बोलूंगा कि टोटल जो इसमें डी एन टूटा वो क्या डी एन वन प्लस डी एन टू के इक्वल नहीं होगा। बोलो क्लियर। अब मैं करता हूँ डी टी से डिवाइड, क्योंकि सेम टाइम में डी टी टाइम में ही टूट रहा है, और आगे माइनस लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डी टी से डिवाइड करा और यहाँ भी माइनस लगा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। अब सोचो ध्यान से देखो, प्लीज सुनिए, माइनस डी एन वन बाई डी टी, क्या ये इसका रेट ऑफ डीके है? माइनस डी एन टू बाई डी टी, क्या इसका रेट ऑफ डीके है? मान लीजिए सैंपल में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव निकला है एन नॉट है, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? या मान लीजिए कि सैंपल में किसी टाइम पर एन एक्टिव निकले आई हैं, तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा इन टू एन, यहाँ लिखेंगे लैम्डा वन एन, यहाँ लिखेंगे लैम्डा टू एन, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा बराबर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। एक मिनट, अगर आज के बाद आपसे पूछे, पहले तो आपको ये भी कंफ्यूज हो सकता है, सर एन, सर जब ये वाला है ये लैम्डा वन से चल रहा है टूट रहा है, तो एक्टिव निकलिया में क्या उन्हीं को शामिल करेंगे जो लैम्डा वन से टूट रहा है, या बाकी सबको शामिल कर लेंगे? तो हम बोलेंगे सबको शामिल करना है, एक्टिव निकलिया में सबको लेना है, ये डिपेंड नहीं करता है कि ये लाल जैकेट वाला है कि ब्लू जैकेट वाला, एक्टिव निकलिया में उस समय कितने सबको लेते हैं। तो यहाँ पर n लेंगे, n n कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा बराबर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। अब अगर आज के बाद बोले कि साइमल्टेनियस डीके हो रहा है, पैरेलल डीके हो रहा है, बताइए इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट, तो बोलना है यार सिंपली जोड़ दो ना यार, दो हो तीन हो सबको जोड़ते चले जाओ, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इज द इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट। अगर मुझसे कहेगा इक्विवेलेंट हाफ लाइफ, इक्विवेलेंट बताओ बेटा लैम्डा बराबर क्या 0.693 अपॉन टी पढ़ा था? पढ़ा था ना, बस वही करना है। यहाँ पर इक्विवेलेंट हाफ लाइफ इधर लिख दे रहा हूँ बेटा, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ कहेगा तो हम यहाँ पर करेंगे क्या 0.693 अपॉन टी, तो क्या दोनों तरफ से 0.693 कट जाएगा? तो 1 अपॉन टी वन प्लस 1 अपॉन टी टू, 1 अपॉन टी बराबर, अगर दो ही है तो टी बराबर लिखना होगा टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये ऐसे आ जाएगा हाफ लाइफ, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ। बोलो क्लियर हुआ? पहुँचो, ये बस एक बार बोलना होता है ज़रूरी, वरना रायता फैल जाता है, पूछता है तो पता ही नहीं पड़ता क्या है सर, पता ही नहीं पड़ता है क्या है सर। शांति, घर पे रिवीजन जरूर करना, अगर रिवीजन नहीं करा तो रायता फिर इतना भयंकर फैलेगा, समेट तो मुश्किल हो जाएगा, समेटना ही मुश्किल हो जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा पहुंच। शांत, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी, इसमें ये वेक्टर नहीं है कि पढ़ा हुआ रहता आसान लगता है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, दो मिनट में भूल जाते हैं लोग, स्लिप किया दिमाग से बस खत्म। लिख लिया बेटा, आइए न्यूक्लियर फिजन पढ़ें,
न्यूक्लियर फ्यूजन ही पढ़ना है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो जरा सा 5 मिनट का न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा के खत्म करें सब चीज। शांत क्या बोली, दिखाओ कहाँ है, क्या बोला है, कहाँ? हो गया। लिखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके आगे और क्या क्या दिया, कोई और टॉपिक भी था क्या? वो तो बता ही दिया, और क्या दिखाना जरा दिखाओ। एक आध क्वेश्चन करा दिया जाए बच्चों? अच्छा रहने दो, पहले कंप्लीट करते हैं फिर सवाल कराते हैं। हालांकि सवाल दिख रहा है मुझे, कोई बात नहीं, एक काम करते पहले कंप्लीट करते हैं, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर घमाका लगेगा कि चैप्टर नहीं हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन, चलो बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ते हैं। सुनिए, ज़्यादा नहीं है, सिंपल कहानी है, देखो। अरे सुनिए सुनिए, न्यूक्लियर फ्यूजन ओटो हान ने बताया था इसको, प्लीज़ सुनिए, प्लीज़ अब मेरी बात सुनिए बेटा। न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से ये कंसेप्ट ईजाद हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन का। हम जानते हैं बेटा कि मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है। ये देखिए 30 से लेके 170 तक को मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंसेप्ट ऐसे डेवलप हुआ कि क्यों ना हम किसी हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट कर दें और मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई बने। क्यों, कोशिश क्यों करते हैं मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा और प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता है, ज़्यादा होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी बहुत निकलती है। इधर ध्यान से सुनिए, तो कंसेप्ट ऐसे ईजाद हुआ कि यहाँ से अगर ये तोड़ के 2 मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई बना दें तो बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी बहुत सारी निकलेगी। लेकिन ये सफलता इतना आसान नहीं था, कई सारे रिसर्च हुए होंगे, कई बार सोचा गया होगा, तब जाके फाइनली ओटो हान को ये सफलता मिली। उसमें उन्होंने क्या करा कि बेटा, उन्होंने क्या करा, सबसे पहली बात तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू, splits into 2 middle weight of nuclei, 2 middle weight of nuclei, 2 middle weight of, हिल गया क्या, देखना जरा, 2 middle weight of nuclei, please सुनिए, splits into 2 middle weight of nuclei and we get large amount of energy, then this is called nuclear fission। देखो बेटा सिंपल सी कहानी है, न्यूक्लियर फ्यूजन में हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है 2 मीन वेट ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई में, तो यहाँ पर बेटा इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से क्या कराया गया, सुनिए ध्यान से कैसे इसको तोड़ा गया, सुनिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करा दे और वो एनर्जी इतना निकाल दे। इसके लिए क्या किया गया, यूरेनियम 235 है, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लीजिए मैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल बना रहा हूँ, एक साइंटिस्ट ने इसको मॉडल के द्वारा समझाया। जैसे देखिए बेटा, ये यूरेनियम 235 है। अब क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आर पार हो जाएगा, ये यूरेनियम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं।
स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, यानी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत छोटी होगी, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी समझ के चलो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा बहुत ज़्यादा, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यानी वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, जब ये इस पर आकर के इस पे गिरती है बेटा, इस न्यूक्लियस से टकराता है ये न्यूट्रॉन, तो क्या होता है, वी गेट हाईली अनस्टेबल यूरेनियम 236, जिसको मैं ऐसे फील करा रहा हूँ, लिक्विड ड्रॉप, छोटा सा एक ड्रॉप आगे पार्टिकल टकरा, बस बहुत तेज टर्बुलेंट मोड हम इसको फील करा रहे हैं। यूरेनियम 236 बनता बेटा हाईली अनस्टेबल, ये बहुत हाईली अनस्टेबल बनता है ना, हाईली अनस्टेबल। और इसमें क्या होता है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, ये एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहलाता है। याद रखें कि हर हैवी न्यूक्लियस फीजन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सर्टेन जो निक्लियाई हैं हैवी वाले, कुछ ही सर्टेन निक्लियाई हैं जो ये फीजन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें कि यूरेनियम 235 आपको फीजन रिएक्शन शो करेगा, यूरेनियम 238, यूरेनियम 237 ये सब शो नहीं करते हैं। तो यूरेनियम 235 इस पर जब ये पकड़ के आया गया, मतलब बहुत सारी बातों से खोज के निकाला गया कि यूरेनियम 235 इज़ अ फिजनेबल मटीरियल। अच्छा, हमें ये नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से मटेरियल सर फिजनेबल है जरा बताइए, ये नहीं पढ़ना है, वो एक लिस्ट होगी लेकिन हमारे रेंज से बाहर की चीज़ है। हम बस एक मोटा मोटा एक कंसेप्ट पकड़ते हैं कि यूरेनियम 235 पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं तो यूरेनियम 236 हाईली अनस्टेबल बनता है, और अपने आप ये जो ड्रॉप होता है ये अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगता है, काफ़ी टर्बुलेंट मोड में आता है और अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगता है, अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगता है। और अचानक से क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए अचानक से क्या होता है, दो हिस्सों में बंट जाता है, ध्यान से सुनना, ये दो हिस्सों में बंट जाता है बेटा, और साथ में तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये न्यूट्रॉन है, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से बेटा तीन न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो सुनेगा ध्यान से, अगर आपसे कहे व्हाट इज़ फीजन, तो हम बोलते हैं कि हैवी न्यूक्लियस जब 2 मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाता है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फीजन। और कैसा है तो देखिए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 235 पर आके गिरा तो यूरेनियम 236 हाईली अनस्टेबल बनता है, इतना ज़्यादा टर्बुलेंट मोड में होता है कि अपने आप ये डिवाइड होने लगता है। और इस तरह से देखिए ये जो दो न्यूक्लियस बने, 2 मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई भी हैं, साथ में देखिए न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे हैं। और ये याद रखिए बेटा, किसी रिएक्शन में जैसे दो पार्ट में टूटेगा ये 2 मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई, तो ये न्यूक्लियाई मिडिल वेट के तो जरूर होंगे लेकिन फिक्स्ड नहीं होंगे, कभी बेरियम क्रिप्टन मिलेगा, कभी स्ट्रॉन्शियम और जेनॉन मिलेगा, मेनी मोर कुछ भी हो सकता है, बस रहेगा मिडिल वेट ऑफ न्यूक्लियाई में ही। और कभी कभी तो 3 न्यूट्रॉन निकलता है, किसी रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 निकलेगा या 2 निकलेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन एमिट्स इन ईच फीजन रिएक्शन। यानी हम बोलते हैं औसतन कि एक रिएक्शन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो 2.5, क्या 2.5 न्यूट्रॉन पॉसिबल है? नहीं, किसी में 2 किसी में 3, उसका एवरेज बताया गया 2.5 न्यूट्रॉन। बोलो क्लियर हुआ, थोड़ा सा लिखो यहाँ तक। आराम से, okay।
आराम से, आराम सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है। कल तो निशंक ने बोल दिया है एग्जाम तो लेट होगा। तो आपको पता है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट होता था हमेशा, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट होते हैं। इस बार स्टार्ट होगा 15 दिन बाद से, तो तुम्हारा जो होगा 15 दिन बाद पड़ेगा, 15 मार्च के बाद ही पड़ेगा, ये पकड़ के चलना है। नीट का नहीं लग रहा मुझे कि लेट होगा, नीट तो सेम टाइम पे लगभग होगा, नीट लेट नहीं करेंगे। चाचा आराम से, आराम 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 से, आराम से। देखो सब व्यर्थ है, ये मैं कई बार बोल, तू पीछे भाग गया ना, अब तू पीछे जाके शैतानी करेगा। अरे तू शांति से तो बैठ रही, यही तो बहुत बड़ी बात है। हरकत दिखाए तो फिर तो तेरे को तो मैं सही कर दूंगा। शांत, मिटा दे बेटा। तो बताइए न्यूक्लियर फ्यूजन में यूरेनियम 235 पर क्या करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, इस मॉडल को लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं। एक साइंटिस्ट से बताया था कि इसको ऐसे समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो है रिएक्शन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, ये न्यूट्रॉन तो फास्ट हैं, ये तो नहीं करा पाएंगे रिएक्शन, तो हम इसमें क्या करते हैं, बीच में मॉडरेटर्स लगाते हैं। मॉडरेटर क्या होता है, स्पीड स्लोअर करते हैं, वो टकराएगा कोलिजन की थ्योरी से, वो टकराते हैं और टकराने के बाद इसके न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करेंगे और स्लो डाउन करेंगे, तब जा कर के किसी दूसरे यूरेनियम से टकराएगा तो रिएक्शन कंटिन्यू होगा। देखो मॉडरेटर कोई हथियार थोड़ी ना है कि सुई चुबा दिया काम हो गया। एक्चुअली क्या होता है, जो सैंपल बनाते हैं उसके अंदर हैवी वाटर, ग्रेफाइट, इन सभी के रूप में मॉडरेटर को मिक्स कर देते हैं। जैसे यूरेनियम 235 है, अब यूरेनियम 235 दूसरा न्यूक्लियस, इसके बीच में हम ग्रेफाइट भर देते हैं ताकि यूरेनियम बहुत तेज़ी से निकले और इस न्यूक्लियस तक पहुँचते पहुँचते इतनी स्पीड स्लो हो जाए कि इसको टकरा फिजन करा दे। तो हम मॉडरेटर जो भरते हैं वो पूरा सैंपल बनाना पड़ता है, गड्ढा खोद के जो निकालते हैं वो तो बहुत बर्बाद चीज़ होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसको बनाना पड़ेगा हमें। न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल जो रॉड होता है वो हमें बनाना पड़ता है और कंस्ट्रक्शन होगा तब जाके वो रॉड काम करेगा। मिटाएं, देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्लीज सुनिए। अच्छा देखिए, इधर इधर चाचा इधर। अच्छा देखिए, अगर यूरेनियम 235 है 92 बेटा प्लीज, इसको हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराया, मान लीजिए बेरियम और क्रिप्टन बना, देखना बेरियम का एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर एटॉमिक नंबर देखना 141 और 56। और तीन न्यूट्रॉन है ना, और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है साथ। देखिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा बताइए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी निकलेगी वो क्यू वैल्यू से आई होगी, इज द क्यू वैल्यू। और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस फॉर्म में निकलेगी, तो बोलते हैं मैक्सिमम हिस्सा इसका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, उसमें भी जो तीन न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत तेजी से भागते हैं, ज्यादातर एनर्जी कौन कैरी करेगा, न्यूट्रॉन। मैक्सिमम हिस्सा अगर आप कह सकते हैं तो 84-85% आप समझिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, बाकी जो एनर्जी होती है वो फोटोन के फॉर्म में होती है। रुकिए पहले रुकिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो अगर आपसे बोले कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलती है, तो हम बोलते हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अच्छा सुनिए, ये जो यूरेनियम जो टूटा बेरियम और क्रिप्टन में, तो ये यूरेनियम और भी दो, जरूरी थोड़ी ना कि बार बार यूरेनियम जो टूटेगा तो बेरियम और क्रिप्टन ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो शायद बुक में रिएक्शन लिखा होगा, तो देखिए तो स्ट्रॉन्शियम वाला एसआर लिखा है 3894 और दूसरा जेनॉन का क्या है 140, दो न्यूट्रॉन है। देखिए प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑन एन एवरेज। एक मिनट सुनिए, तो ऐसे करके जरूरी नहीं है कि बेटा जो न्यूक्लियस जो स्प्लिट करके जो दो बनेगा वो जरूरी नहीं कि बेरियम और क्रिप्टन बने, कुछ भी बन सकता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेनी मोर, यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुनेगा ध्यान से, अगर आपसे बोले कि ऑन एन एवरेज पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलती है, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑन एन एवरेज कितनी न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो हम बोलते हैं 2.5, क्योंकि किसी में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो किसी में 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये चीज हम लिखते हैं कि ऑन एन एवरेज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिबरेटेड पर रिएक्शन इन ईच रिएक्शन, लिबरेटेड इन ईच रिएक्शन, और बेटा इन ईच रिएक्शन आर एक्स लिख देते हैं रिएक्शन को, और साथ ही साथ ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन प्रोड्यूसेस, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूसेस। बोलो क्लियर। 2.5 का मतलब 2.5 न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा, किसी रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन, किसी रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन। हाँ, लेकिन जो न्यूट्रॉन निकलेगा प्रोड्यूस होगा वो कैपेबल नहीं होगा रिएक्शन को कंटिन्यू करने में, फर्दर किसी न्यूक्लियाई को वो तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, कंटिन्यू कराने के लिए हमें उसे स्लो डाउन करना पड़ेगा। ऊपर वाली क्वेश्चन मास्ट बराबर नहीं हो रहा क्या, 236 का। अच्छा जो दिया वही लिखेंगे ना, तब ना आएगा 316, अब आ जाएगा। बेटा प्लीज बातें नहीं, लिखिए जल्दी से। हो गया, बेटा शांत बिठाएं, ये सब आएगा लिखने को, पूछेगा थ्योरी में भी आएगा और क्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें भी आएगा ये सर, अच्छे से ढंग से प्रिपेयर होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिवीजन आपको इसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप परफेक्ट हो जाएंगे। बेटा है, देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, इधर ध्यान से सुनिए, अब खत्म ही हो गया तो देखिए अब यहां पर बेटा प्लीज जरा सुनिए, इधर सुनिए ध्यान से। यहां पर बेटा एक होता है चेन रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फीजन में चेन रिएक्शन। एक मिनट रुको, हमें न्यूक्लियर फीजन का बहुत बड़ा यूज समझ में आया, फिर ये जब फीजन रिएक्शन ढूंढ लिया गया
तो देखा गया कि यार जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कोयला पेट्रोलियम, इसमें जो एनर्जी मिल रही है उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी मुझे फिजन में हम लोग को मिलती है। फिर इससे न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन का एक इमेजिनेशन किया गया कि हम करते हैं इसको। अब सवाल उठता है कि ये रिएक्शन अगर कंटिन्यू हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा, और रिएक्शन को कंटिन्यू करने में दो दिक्कतें थी। पहली दिक्कत कि ये जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और दूसरी दिक्कत कि साइज जो लेते हैं सैंपल का वो उसमें एक साइज जो डिफाइन किया गया वो क्रिटिकल साइज डिफाइन किया गया है, उस क्रिटिकल साइज से कम साइज लेंगे तो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होता है। कारण सोचो बेटा, एक सैंपल के अंदर आपने ये यूरेनियम यहाँ यहाँ सजा दिया, ऐसे अरेंज कर दिया, बीच में मॉडरेटर भी भर दिया जो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करेगा। लेकिन क्या होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मॉडरेटर भर दिया, अब यहाँ पर किसी एक न्यूक्लियस को आपने ट्रिगर कर दिया स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। अच्छी बात है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से ट्रिगर कर दिया तो ये तुरंत से अचानक से फ्यूजन हुआ, दो पार्ट में टूटा और इसमें तीन न्यूट्रॉन मान लो प्रोड्यूस हो गए। अब ये तीन न्यूट्रॉन हाई स्पीड से निकलेंगे, अब इनको स्लो डाउन करने के लिए बीच में ग्रेफाइट है, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, कोलिजन होगा, एनर्जी अपने आप स्पीड स्लो डाउन होगी। लेकिन ये जो स्पीड निकलती एनर्जी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, इनकी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी तो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, और एनर्जी मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन में, जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मेगा मतलब 10^6। तो इलेक्ट्रॉन को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो अच्छा खासा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बहुत दो चार कोलिजन में वो स्लो डाउन हो जाए, 10^6 मेगा 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना है। तो इसका मतलब ये कई बार टकराएगा और कई बार टकराने में एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब उस डिस्टेंस के बीच में ही मान लीजिए अभी स्लो डाउन हुआ ही नहीं तो कि बीच में आ गया यूरेनियम 235, तो आर पार निकल जाएगा, इसका फ्यूजन ही नहीं हुआ तो बर्बाद हो गया, ये फ्यूजन नहीं हुआ। पता चला कि ये डिस्टेंस भी काफ़ी नहीं रह पाया और ये यहाँ से आया, आर पार हो गया, निकल के बाहर निकल गया, ले लो अब कर लो खा, न्यूट्रॉन तो रोक ही ना पाए। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्रिटिकल साइज डिफाइन किया गया कि साइज कुछ इस तरह से हो कि न्यूट्रॉन को डिस्टेंस भी चलना पड़े, स्लो डाउन भी हो जाए, यानी इतना साइज रखो न्यूट्रॉन सैंपल की ताकि न्यूट्रॉन जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है वो स्लो डाउन हो सके और फ्यूजन कराने के लिए जितनी उसमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए उतनी आ सके। इसलिए उस क्रिटिकल साइज से छोटा करते हैं तो रिएक्शन सस्टेन नहीं करेगा। हमेशा रिएक्शन को कंटिन्यू जारी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस क्रिटिकल साइज से बड़ा साइज रखना पड़ता है। क्रिटिकल साइज वह साइज है जिस तक न्यूट्रॉन अपना स्पीड गेन कर लेता है और रिएक्शन कंटिन्यू करता है, उससे और छोटे साइज का सैंपल बनाएंगे तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए उस साइज से बड़ा साइज रखना पड़ता है। बोलो क्लियर? यस सर। ताकि अंदर न्यूट्रॉन चल सके, दूरी एक अच्छा खासा तय कर सके। एक तो साइज की बात समझ में आई कि अच्छा यार रिएक्शन कंटिन्यू कराने के लिए साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जरा मैं बोल लूं, अब दूसरा क्या होता बेटा, दूसरा आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हमें मॉडरेटर भरना पड़ेगा, मॉडरेटर भरना पड़ेगा। ये दो दिक्कतें जब दूर होगी, जिसमें मेन दिक्कत था क्रिटिकल साइज की वो आपने देख लिया, स्लो डाउन करना हमारे लिए बहुत इजी टास्क है, हम वाटर यूज़ करते हैं, हैवी वाटर यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं जो न्यूट्रॉन के मास के ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, ज़्यादा बड़ा होगा तो रायता फैल जाएगा, कोलिजन में ऐसा हो कि ज़्यादा एनर्जी लॉस हो, इसलिए हम इन ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जब दिक्कतें दूर हो गई तो चेन रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो कंटिन्यू रहे और पूरा का पूरा, तब तक रिएक्शन होता है जब तक कि होल कंज्यूम ना हो जाए, होल फिजनेबल न्यूक्लियाई कंज्यूम ना हो जाए, तब तक ये रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम इसमें ये आता है बेटा कि ये रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाता है, यानी अनकंट्रोल का मतलब होता है इन फ्यू सेकेंड इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
इसलिए यहां पर बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये चेन रिएक्शन कराया जाता है। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराते हैं। कंट्रोल्ड का मतलब होता है हम अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। रिएक्शन का रेट फास्ट रखना है, स्टेडी रखना है, डिसलरेट करना है, वो हमारे तरीके से होता है। उसमें क्या करते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो अनकंट्रोल्ड होगा, और न्यूक्लियर वीपन में यही करते हैं, अनकंट्रोल्ड कर देते हैं। यानी कि जितना रिएक्शन फास्ट हो हमें कोई मतलब नहीं है, उस जगह को नेस्तो नाबूद करना है। लेकिन इन न्यूक्लियर रिएक्टर कभी भी हम अनकंट्रोल्ड नहीं करते, हम उसे कंट्रोल्ड करके रखते। कैसे करते ये समझिए। देखिए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में हम लोग पहले देखते हैं कि चेन रिएक्शन क्या, पहले इसे समझ लेते हैं फिर उसके बाद उसको बात करते हैं। तो लिखिएगा बेटा चेन रिएक्शन में लिखिएगा, कौन न्यूट्रॉन टकराया, वो एब्जॉर्ब हो गया ना, तभी तो फ्यूजन हुआ, तभी तो वो फ्यूजन हुआ, फिर तीन न्यूट्रॉन नए पैदा हो गए। लिखिएगा बेटा पहले जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिएगा, चेन रिएक्शन में लिखिएगा, लिखिएगा वेन When the size of the sample is greater than the critical size, when size of the sample greater than the critical size, clear है critical size? Yes, sir. हाँ, definition लिखा नहीं रहा हूँ, बस एक feel कराया। When size of the sample is greater than the critical size and once a slow moving neutron be triggered, once a slow moving न्यूट्रॉन्स बी ट्रिगर्ड टू द सैंपल, न्यूट्रॉन बी ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड जानते हो ना, ट्रिगर लिखते हैं ना, ट्रिगर्ड, तो ट्रिगर्ड टू द सैंपल, ट्रिगर्ड टू द सैंपल, हाँ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बी ट्रिगर्ड टू द सैंपल, देन होल ऑफ द न्यूक्लियाई, होल ऑफ द न्यूक्लियाई गेट्स फ्यूजन रिएक्शन, गेट्स फ्यूजन रिएक्शन टिल अंटिल अंटिल द फिजनेबल एलिमेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड, अंटिल द फिजनेबल एलिमेंट्स completely consumed. बोलो क्लियर हुआ? Yes, this type of reaction is said to be chain reaction. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, chain reaction. अच्छा सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। अच्छा critical size से बड़ा है, समझ में आ रहा है? Yes, critical size से कम रखोगे तो reaction continue ही नहीं हो पाएगा, reaction रुक जाएगा। ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनिए, इधर इधर। अच्छा बेटा ये एक न्यूक्लियस है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से ट्रिगर किया, मान लीजिए तीन न्यूट्रॉन निकला, अपने तरीके से हमने इसे स्लो डाउन भी कर लिया। अब हर न्यूट्रॉन अपने अपने रास्ते में जितने भी न्यूक्लियस पड़ेंगे उसको क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, फिर ये तीन निकालेंगे, कहीं दो निकलेगा कहीं तीन निकलेगा भाई, ठीक है, अभी तीन तीन ही दिखा दे रहे हैं, दिल पे ना ले लेना। फिर ये तीन, ये जो है कितने प्रोड्यूस हुए, नाइन। अब ये नाइन नाइन न्यूक्लियस को डिके करेंगे, मतलब उसका फ्यूजन कराएंगे इस तरह से। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि तीन तीन का ही निकलेगा, बहुत बोलते तीन 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 तो नौ नौ के बाद हो जाएगा, तीन से मल्टीप्लाई हो सत्ताईस के क्या, ऐसा नहीं होगा, डाई न्यूट्रॉन होता है, कभी दो निकलेगा कभी तीन निकलेगा। इसलिए आप सीरीज कंटिन्यूस नहीं कर सकते हैं कि तीन नौ सत्ताईस ट्वेंटी एटी वन ऐसे करके नहीं बोल सकते। बोलो क्लियर हो गया? ये चेन रिएक्शन, ये डायग्राम बना लीजिए बेटा, ये डायग्राम बना लीजिए। तो मैं भी तो कुछ गामा रेस की फॉर्म में निकल जाएंगे। जो बनते हैं, सुनो ध्यान से, जो बनते हैं वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव में जो अल्फा बीटा गामा वो अलग है, और डीके करना, ये जो तोड़ना फ्यूजन करना वो अलग है। करेंगे, बनाया जाता है सैंपल भैया ऐसा, और हम इसमें कुछ ऐसा तरीका लगाएंगे कि कुछ न्यूट्रॉन को हम निशाना भटका देंगे ताकि हम कंट्रोल करेंगे ना, वो हम बताते हैं ना, हम है ना। शांत भाई शांत,
शांत, हो गया? लिखिएगा बेटा, चेन रिएक्शन में आपने पढ़ा इसे, बहुत मजा आया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहां पर देखिए, यहां पर एक टर्म डिफाइन किया है, सुन ले, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर एक यहां पे एक डिफाइंड किया गया, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, जिसे के से लिखा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले तो ये डेफिनेशन समझिए क्या होता है बेटा। देखिए, चेन रिएक्शन अगर खुला छोड़ दीजिएगा, सैंपल बिल्कुल परफेक्ट है, क्रिटिकल साइज से बड़ा है, मॉडरेटर पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है, बहुत खतरनाक है वो, इन फ्यू सेकेंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, रेडिएशन हजार्ड हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, वो एक त्रासदी के रूप में आपके सामने आएगा। अब हमें कंट्रोल्ड कराना है, तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में सबसे पहले अच्छे से स्टडी किया गया और देखा गया कि इसमें न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर है, जिसका मतलब होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। अब सुनना ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा तरीका ढूंढे कि जो न्यूट्रॉन एक सेकंड में पैदा हो रहे हैं उनको कुछ कंट्रोल किया जाए, हम कंट्रोल करें। तो क्या करते बेटा, ध्यान देना, हम लोग उसमें बोरॉन का रॉड या कैडमियम का रॉड इंसर्ट करते हैं, बोरॉन या कैडमियम, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है, जिसे हम कंट्रोलिंग रॉड कहते हैं। समझो एक सैंपल, उसमें सुई चुबा रहा है, क्या चुबा रहे, सुई किसका बना है, बोरॉन या कैडमियम का, जिसे क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग। वो क्या होता है, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्बर है, तो चुबाते हैं। तो क्या होता बेटा, वेन के इक्वल टू वन, सोचो के इक्वल टू वन, यानी जिस रेट से प्रोड्यूस हो उसी रेट से हटा दिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फिक्स हो गया, तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन का रेट स्टेडी रेट होगा, हर एक सेकंड में इतना एनर्जी, हर एक सेकंड में एनर्जी फिक्स हो जाएगी वो, तो हम बोलते हैं स्टेडी रेट ऑफ रिएक्शन वी फाउंड। सुनिएगा ध्यान से, वी फाउंड, आराम से सुनिएगा, समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूं एक सेकंड में जितने प्रोड्यूस हुए उतना ही आपने लॉस करा दिया, एब्जॉर्ब करवा दिया, हटा दिया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो फिक्स हो गए। इससे क्या होता है बेटा, हमारे को स्टेडी रेट से रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, बात समझ में आ रहा है। के लेस देन वन में क्या होता है, सोच के देखो, लेस देन वन का मतलब क्या हुआ, लॉस ज्यादा करा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को रोक रहे हैं, रिटार्ड करेगा, रिएक्शन रुक जाएगा, तो हम बोलते हैं रिएक्शन रिटार्ड्स, रिएक्शन धीरे धीरे रुकता चला जाएगा। और अगर के ग्रेटर देन वन हो गया तो रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा, अभी एक सेकंड में 200, अगले एक सेकंड में 400, उसके एक सेकंड में फिर 1000, बर्दाश्त नहीं होगा, फिर बर्दाश्त। चेर्नोबिल में यही हुआ था, चेर्नोबिल जो यूक्रेन में है वहाँ यही हुआ था, रायता, उन्होंने एक्सेलरेट कराने की कोशिश करी और रायता फैल गया। कम से कम 150 साल तक देखा गया है, 150 साल तक जा कर के इंटेंसिटी धीरे धीरे, रेडिएशन की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, तब जा कर के वहाँ पर कोई इंसान थोड़ी देर के लिए जा सकता है, वरना अभी जाएगा तो वो कैंसर से मर जाएगा, तुरंत स्किन कैंसर हो जाएगा तुरंत। शांति शांति, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. बहुत आसान है, फिक्स्ड चीजें हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेना, डेफिनेटली बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, फिर तुमको क्वेश्चन बनाते बनाते मजा आने लगेगा, चलो यार सवाल बन रहा है, इजी होते हैं सवाल इसके।
हाँ भाई फॉर्मूला बेस्ड है सवाल, तुम जितना सवाल सोच रहे हो दिमाग में तुम बनाओगे ना, तुम बोले अरे बहुत इजी होता है भाई, हम खामा का इतना डरते हैं। बोलिए, पहले नहीं करेंगे ना, स्टार्ट ही होते ही नहीं करना है, थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में करो। पहले ही करोगे तो बंद हो जाएगा ना, एक रिएक्शन एक लिमिट पर आएगा फिर कैमरा और बंद कर लेते हैं, कंटिन्यू रहे। शान हो गया, देखिए अब यहां पर बेटा छोटा सा बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, बस वही मैं आपको लिखा देता हूं, बस हल्का फुल्का। देखिए बेटा हम लोग जानते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होगा, हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान दीजिए एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड में एनर्जी हम कंट्रोल, और इसके लिए कहां पर कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। देखिए बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा, बस कंसेप्ट है, अब आप बस समझिएगा। सर तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाओगे है, पूरा पढ़ाओगे, नरोरा वाला रिएक्टर पूरा पढ़ा दोगे, नरोरा है ना, हाँ तो नरोरा वाला रिएक्टर पूरा पढ़ाओगे, तो नहीं भाई हम कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट थोड़ी ना कि हम तुमको बैठ के रिएक्टर समझाएंगे। मुंडी पर करो ध्यान से, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंसेप्ट क्या बेटा, सबसे पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत ही हाईली शील्ड वॉल होती है, गजब का लेयर होता है, गजब का शील्ड होता है, एकदम जिसको तोड़ना नामुमकिन है एक तरह से समझो। पहली बात कि कभी अगर एक्सीडेंट भी हो तो रायता ना फैले, इतने दूर में ही रायता जो फैलना हो फैले, इसके लिए कई लेयर, कितनी मोटी जबरदस्त मटेरियल की वॉल बनाते हैं, बिल्कुल केज बनाते हैं ऐसे चैम्बर, उसके बाद बोलते हैं कि जो रायता फैलाना अंदर ही फैलाओ, बाहर नहीं आना चाहिए रायता। अब उसके बाद इसमें जो है ये न्यूक्लियर फ्यूल रॉड होते हैं, और ये फ्यूल रॉड हम यहाँ दिखा रहे हैं, सेट कर रहे हैं ऐसे फ्यूल रॉड, और बीच में बेटा ये देखिए एक कैडमियम की रॉड ऐसे, ऐसे कैडमियम की रॉड ऐसे, और ऐसे ये कैडमियम की रॉड जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग रॉड, ऐसे ऐसे हैंडल लगा होता है जिसमें आप पुश करेंगे अंदर तो रिएक्टर बंद हो जाएगा, पुश करेंगे तो बंद हो जाएगा, ऊपर उठा देंगे तो रिएक्शन फिर आता फैला देगा, तो ये कंट्रोलिंग रॉड्स कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कंट्रोलिंग रॉड्स बोलते हैं, मेड अप ऑफ बोरॉन या कैडमियम रॉड्स, सीडी रॉड्स लिख देते हैं, ठीक है, बोरॉन या कैडमियम रॉड। सुनिए बीच में इसमें क्या भरा रहेगा, जल्दी बताओ, मॉडरेटर, क्या भरा रहेगा, मॉडरेटर का यूज बताओ, हाँ स्लो डाउन करने के लिए स्पीड को, मॉडरेटर किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट या हैवी वाटर D2O, हाँ या सिंपली वाटर भी कर लेते हैं यूज, जैसे बेंगलोर में एक है रिएक्टर, वहाँ पर जो है बेटा साउथ में कहीं पर है, वहाँ पर वाटर सिंपल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वाटर, सिंपल वाटर इस्तेमाल हो रहा है, बाकी और जगह हैवी वाटर इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कहीं ग्रेफाइट भी होगा। यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो मॉडरेटर इज यूज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, एंड कंट्रोलिंग रॉड्स यूज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, जैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो कैडमियम रॉड पूरे फ्यूल रॉड को घेर लेगा, पूरा घेर लेगा ऐसे, एक समझो सिलेंडर का पूरा कवर आ जाएगा, अंदर जो मचाना मचा लो तबाही, यहाँ का न्यूट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, फ्यूल रॉड को इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसमें जो डिस्टर्बेंस हो यही रह जाएगा, बात समझ में आ रहा है, इससे न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाएगा। बोले क्लियर, आओ तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहले डायग्राम बना लो, लिखा देते हैं, हाँ वो यही होता है, है बम फोड़ते हैं पहाड़ वाला, अरे बैल वो अलग है बे, वो अलग है, ये तो ऐसे बोला जैसे कि मुझे लगा रिएक्टर घूम के आया है,
अच्छा वो ये पिक्चर दिखाते हैं पहाड़ पे फोड़ रहा है बम, हे भाई कहाँ जा रहे हो, उसको पता ही नहीं है कि बम फूटने वाला है, वो नहीं वो नहीं यार खतरनाक प्राणी हो। अक्सर राजेश खन्ना की मूवी में ऐसा होता था, राजेश खन्ना पकड़ने जा रहा उसको विलन को, वहाँ पहुँच गया। हाँ वो डायनामाइट होता है, ठीक कह रहे हो शांत। ओ भाई चाचा तुम नहीं पढ़ रहे हो अजय सिसोदिया, हाँ ये दिखता है पढ़ रहे हो, अच्छा ठीक है। ये कहाँ है ओबे, अच्छा अच्छा शांति बेटा शांति। बोले लिखिए, इट इज यूज टू कन्वर्ट, बोरॉन है भाई बी, इट इज यूज टू कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या मतलब क्या बेटा, ये न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक लास्ट टॉपिक लिख लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन, चैप्टर कंप्लीट है तो जरा सा है वो, पांच मिनट लगेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन बेटा प्लीज शांत। न्यूक्लियर फ्यूजन यस, जितने भी स्टार या सन है उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता बेटा, लिखिएगा बेटा, व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू ईच अदर, कंबाइन टू ईच अदर एंड मेक अ हैवी न्यूक्लियस, कंबाइन टू ईच अदर एंड मेक अ हैवी न्यूक्लियस, देन वी गेट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन वी गेट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो बेटा जैसे यहां पर सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, बहुत बड़ी एनर्जी निकल रही है। अच्छा पता है सन को एक हाइड्रोजन स्फेयर बोलते हैं, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम मिल करके हीलियम बना रहे हैं और जिससे कि बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। अच्छा सुनिए, न्यूक्लियर फ्यूजन को बेटा हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज, बेटा प्लीज बात ना कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। पता है क्यों? अच्छा सोचो दो न्यूक्लियस को मिलना है, फ्यूज होकर के मतलब जुड़ना है, कंबाइन होना है, और न्यूक्लियस पे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो जुड़ेंगे कैसे? तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा करते हैं, 10^6 केल्विन के ऑर्डर का करते हैं। सुनो ध्यान से, क्या आपको पता है किसी गैस की आरएमएस स्पीड अंडर रूट 3 RT / m होती है?
आरएमएस स्पीड जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है किसी गैस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। व्हेन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी वेसल में गैस भरा ना उसके स्पीड जो है बढ़ जाएंगी। वही किया गया, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जुड़े कैसे, तो 10^6 केल्विन तक जब उन्हें गर्म करते हैं तो इतनी सफिशियंट अमाउंट में उनकी स्पीड आती है कि अगर दोनों एटम, दोनों न्यूक्लियस की स्पीड अगर एक दूसरे की तरफ है और इतनी ज़्यादा स्पीड होती है 10^6 केल्विन करने पर कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वो चलते 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 चलते, और जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब, दैट इज फर्मीमीटर के ऑर्डर का आता है डिस्टेंस, तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर जाता है और चिपक जाता है। न्यूक्लियर फोर्स तब तक नहीं लगेगा जब तक इनके बीच का डिस्टेंस 10^-15 meter, जैसे ही 10^-15 meter के ऑर्डर का आता है चिपक जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है यहाँ पे, वो चिपक जाता है। आ रहा समझ में? इसलिए इसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। लिखेगा बेटा, लिखेगा दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस वेन द टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ When the temperature is of the order of 10 to the power 6 Kelvin. आ गया समझ में? सन के कोर में यही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। अच्छा पता है सन में दो फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, सन में दो फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, पता है? एक तो सन का कोर होता है, सन का कोर का टेम्परेचर 10^6 केल्विन का होता है, 10^7-8 केल्विन इतना होता है, इसलिए फेवरेबल कंडीशन होती है तो हो जाता है। और सन का जो सरफेस होता है इसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, वहाँ अलग चल रहा है, वहाँ पर भी फ्यूजन होता है, वहाँ कार्बन नाइट्रोजन होता है, और सन के कोर में होता हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे देखिए मेरी बात सुनिएगा, सन के कोर में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। पता है सन जो है ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन सारा समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा समाप्त, क्योंकि रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि वापस से हाइड्रोजन फिर मिल जाता है। ये रिएक्शन ऐसा, हम लोग को रिएक्शन नहीं पढ़ना है, रिएक्शन ऐसा है बुक में दिया हुआ है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। यानी सन के कोर में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलता है। हाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के पता नहीं क्या बनाते हैं, फिर वही मिलके तीसरे हाइड्रोजन से मिलके फिर पता नहीं क्या बनाते हैं, फिर जो मिलते बनता है वो हाइड्रोजन साथ मिलके हीलियम बनाता है और ढेर सारा एनर्जी निकालता है, साथ में हाइड्रोजन एटम निकाल के रख देता है। भाई जो जो मिल करके कुछ नया बना, फिर नया से फिर नया हाइड्रोजन मिल करके फिर लास्ट में प्रोडक्ट में वापस से हाइड्रोजन मिल जाता है, इसको बोलते हैं साइकिल चल रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये साइकिल किसी दिन गड़बड़ हुई तो सन बल्ब बुझ जाएगा सन का। और जानते हो सन के सरफेस पे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल चलती है, वहां पर कम वक्त ये अलग खेल करते रहते हैं, वो अलग खेल करते हैं, ये अलग खेल करता है, ये कोर में होता है और ये सरफेस पर होता है। बात समझ में आ गई? इतना ही जानना था। ओके थैंक यू।